सुप्रभात बच्चों, स्वागत है आप सबका चौथी कक्षा में। तो कल के क्लास में हमने देखा था सपने का चमत्कार, मतलब अभी देखा नहीं है, अभी देख रहे हैं, ठीक है, कभी कहानी पूरी नहीं हुई है हमारी। सो सपने का चमत्कार, तो क्या था इसमें, कहा तक देखा था हमने, वो मैं बता दी अभी। एक शहर था, उस शहर में एक धनी व्यापारी रहता था, हाँ मतलब अमीर व्यापारी रहता था। थोड़े ही दिन में क्या हो गया, वो युद्ध धनी से निर्धन हो गया, मतलब उसके पास जो कि पैसा था, धन दौलत जो भी थी, पैसे आके पैसा रुपया जो भी था वो सभी खत्म हो गया, और उसी प्रकार वो क्या हो गया, गरीब हो गए। जो वो अमीर जब था तब उसके आस पास उसे बहुत सारे मित्र हुआ करते थे, जैसे ही वो गरीब हो गया तो उसके पास से सभी मित्र उसे छोड़कर अकेला छोड़कर चले गए। तो एक दिन उसे एक सपना आता है, तो क्या आता है सपने में कि एक साधु आता है सन्यासी, तो वो क्या कहता करता है, तुम मैं कुछ पुरस्कार देना चाहता हूँ, कुछ बख्शीश देना चाहता हूँ, हाँ क्योंकि तुम आज तक बहुत अच्छे आदमी रहे हो और आगे भी ऐसे ही अच्छे आदमी बने रहना, इसके लिए मैं तुम्हें एक बख्शीश देना चाहता हूँ, एक सॉरी पुरस्कार देना चाहता हूँ। वो बोलता है कि जैसे मैं कल सुबह तुम्हारे घर में आऊंगा तो क्या करना, तुम एक डंडा या एक लाठी, मतलब एक स्टिक लेके मेरे सर पर क्या करना, एक वार करना, एक आघात करना, सो मैं सोने का हो जाऊंगा, हाँ और तुम पहले जैसे फिर से धनी हो जाओगे, ऐसे उसने सपने में आकर कहा था। सो वो सुबह उठता है जल्दी और उसे अपना सपना याद आता है इस आदमी को, बाद में वो क्या सोचते हैं, वो क्या सपना ही होता सच का आता, लेकिन सो ऐसे वो अपने दिन भर अपने काम में लगे रहता है। बाद में क्या होता है, थोड़ी देर बाद उठने के बाद अपने बाल काटने के लिए एक नाई को बुलवाता है, एक हजाम को वो बुलाता है। सो वो हजाम उसके बाल काटने लगा रहता है, काटता रहता है, तभी क्या होता है, एक बहुत साधु उनके घर में प्रवेश करता है। सो उसे सपने की बात याद आती है, तो वो क्या करता है कि एक लाठी लेकर क्या करता है, उसके सर पर वार करता है, यहाँ तक हमने देखा था। तो जैसे ही उसने मारा तो वो क्या हो गया, सोने में परावर्तित हो गया, सोने में उसका सारा पूरा जो शरीर था वो सोने में चेंज हो गया। तो कहा था याद कि हमने देखा था सपने में, कहा था सन्यासी को सोने में परिवर्तित होते देख नाई आश्चर्यचकित को चौंक पड़ा। देखो उसका जैसे ही उसने उस सन्यासी के सर पर वार किया, सो उस वार से वो सन्यासी जो था वो सोने में परावर्तित हो गया, सोने में वो चेंज हो गया। यह देखकर नाई को बहुत आश्चर्य हो गया, ऐसे कैसे हो गया, ऐसे वो सोचने लगा। तो व्यापारी ने सन्यासी को सोने में परावर्तित होते देख नाई आश्चर्यचकित हो चौंक पड़ा। व्यापारी ने सन्यासी के सोने के शरीर से एक टुकड़ा उस निर्धन नाई को भी दे दिया। देखो व्यापारी ने सन्यासी के सोने के शरीर का एक टुकड़ा, मतलब वह सभी पूरा जो सोने का हुआ था वह सन्यासी, तो उसके शरीर का एक टुकड़ा क्या किया उसने, उस नाई को दे दिया, क्योंकि वह अच्छा आदमी था, लेकिन तो इसके लिए उसने उसको एक शरीर का टुकड़ा उस नाई को दे दिया उसने, क्योंकि अब वह इस बात से बहुत प्रसन्न था कि वह फिर से धनी हो गया। वह इस बात से ही प्रसन्न था कि हाँ इतना सारा सोना मुझे मिल गया, इस बात से ही वो बहुत खुश था, इसके लिए क्या किया उसने, एक सोने का टुकड़ा उसको दे दिया और फिर से वह धनी हो गया। परंतु नाई उस छोटे से सोने के टुकड़े से संतुष्ट नहीं हुआ। देखो अभी नाई वो भी आदमी है, सो उसे वो देख रहा है उस आदमी के घर में इतना
उस नाई ने क्या देखा था, जैसे ही इसने वार किया, जैसे इसने उस पर आघात किया तो वह उसका पूरा शरीर सोने में परावर्तित चेंज होता हुआ उस नाई ने देखा था। तो इसीलिए वह संतुष्ट नहीं था, एक छोटा सा सोने का टुकड़ा पाकर वह संतुष्ट नहीं था। उसने सोचा मैं भी एक चमत्कारी सन्यासियों को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित करूंगा। वह क्या सोचने लगता है, देखो उसके मन में आशा पैदा हो गई, अभिलाषा हाव पैदा हो गई उसके मन में कि मैं भी ऐसे ही ये चमत्कारी जो सन्यासी है उनको क्या करता हूँ, मेरे घर भोजन के लिए आमंत्रित करता हूँ। और फिर जब ये आएंगे तो मैं उनके सिर पर डंडा या लाठी मारूंगा। जैसे ही वो मेरे घर में अंदर प्रवेश करेंगे तो वैसे ही मैं क्या करूंगा, उनके ऊपर डंडा या लाठी से प्रहार करूंगा या लाठी से मारूंगा, तब ये सोने में परावर्तित हो जाएंगे। मैं भी इस आदमी के जैसे ही करता हूँ, उनको भोजन के लिए मैं अपने घर में आमंत्रित करता हूँ और जैसे ही वो मेरे घर में आते हैं तो मैं उनको अपनी लाठी या डंडे से उनको मारता हूँ। तो मारने के बाद वो क्या हो जाएंगे, सोने में परावर्तित हो जाएंगे, ऐसे वह सोचने लगता है। इस प्रकार शीघ्र ही मैं भी धनी हो जाऊंगा। इस प्रकार मैं भी क्या हो जाऊंगा, शीघ्र ही जल्दी ही मैं भी धनी मतलब अमीर हो जाऊंगा। पर उसको ये बात पता नहीं है कि उस आदमी के सपने में वह सन्यासी आया था और उसने वैसे बोला था कि जैसे ही मैं तुम्हारे घर आता हूँ तुम मुझे लाठी से वार करो और मैं सोने में परावर्तित हो जाऊंगा, बाद में तुम फिर से अमीर हो जाओगे। ऐसे उस आदमी के सपने में जाकर उस सन्यासी ने कहा था। तो इसको वैसा इस नाई को वैसा किसी ने बोला नहीं ना, तो ऐसा करना चाहिए कि उसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, है कि नहीं। देखो इंसान का मन कैसे है, लालसा पूर्ण होता है, है कि नहीं। तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो देखो आगे क्या होता है, तो लाठी से मारूंगा तब वे सोने में परावर्तित हो जाएंगे। इस प्रकार शीघ्र ही मैं भी धनी हो जाऊंगा, मैं भी इसे ऐसे ही जल्दी ही श्रीमंत हो जाऊंगा, अमीर हो जाऊंगा, धनी हो जाऊंगा, ऐसे वह सोचने लगता है। अतः उसने जाकर कुछ सन्यासियों को अपने घर दोपहर के भोजन पर आमंत्रित कर दिया। देखो ऐसे सोच सिर्फ सोचा नहीं, उसने उसका अमल भी किया, क्योंकि उसको जल्दी ही धनी होना था। तो उसने क्या किया, अच्छे सन्यासियों को जाकर कहा कि तुम कल दोपहर मेरे घर में भोजन के लिए आओ। ऐसे उन्होंने आमंत्रित किया, उनको न्योता दिया, बुलावा किया उसने। दूसरे दिन जैसे ही सन्यासियों ने नाई के घर में प्रवेश किया, देखो जैसे ही सन्यासियों ने नाई के घर में प्रवेश किया, नाई ने बिना सोचे उसी क्षण उनके सिर पर वार करना आरंभ कर दिया। देखो जैसे ही वो सन्यासी जो थे वो जैसे ही इस नाई के घर में आ गए तो इसने क्या किया, लाठी से उनके सर पर वार करना शुरू कर दिया। परंतु उनमें कुछ भी परिवर्तन नहीं आया, परंतु ना वो सोने के हुए ना चांदी के हुए, उनमें कौन सा भी परिवर्तन नहीं आया। सन्यासियों ने भागकर राजा के पास जाकर शिकायत करके असंतोष प्रकट किया। देखो वो सन्यासी थे, हाँ वो क्या जाड़ों के सन्यासी नहीं थे, तो इसके सपने में भी नहीं आए थे, तो उसको ऐसा करना ही नहीं चाहिए था, पर उसने किया। और करने के बाद जैसे ही उसने लाठी से वार किया तो उनको बहुत बुरा लगा उन सन्यासियों को, अरे हमें घर पर बुलाता है खाने के लिए और डंडे से मारता है, ऐसा उनके मन में विचार आया होगा, है कि नहीं। सो वो क्या करते हैं, भाग कर राजा के पास जाते हैं और क्या करते हैं, असंतोष प्रकट करते हैं, मतलब हमें कुछ अच्छा नहीं लगा, इसने ऐसा किया, हमें खाने को बुलाया फिर हम पर वार किया, ऐसे असंतोष प्रकट करके राजा के सामने संगीत
पानी को बोला है, ऊपर से मार बनाया है। हाँ मार मतलब डंडे से मारने लगा। फिर वो क्या करे, क्या उन्होंने क्या किया कि राजा के पास वो चले गए। तब राजा के रक्षक नाई के घर आए। तब राजा के जो रक्षक थे, जो पहरेदार थे, हाँ जो रक्षा करने वाले थे, वो क्या उन्होंने क्या किया कि वे नाई के घर आए और उसे बंदी बनाकर ले गए। उसे ट्रेन करके क्या किए, वो राजा के पास उन्होंने ले गए। बेचारा नाई कई वर्षों तक कारावास में दंड भोगता रहा। देखो बेचारा नाई क्या किया उन्हें ऐसे करने पर, कितने सालों तक जेल में कैद रहा और अपनी सजा भुगत रहा था, दंड भोग रहा था। सो इसे सीख क्या मिलती है, लालच। एक तो लालच बुरी बला है, लेकिन और जितने में संतुष्ट रहना उतने भी संतुष्ट रहना सीखना चाहिए। हाँ जितना भी है हमारे पास उसी में संतुष्ट रहना सीखना चाहिए। लालच बुरी बला है, ठीक है। सो उसने तो एक सोने का टुकड़ा दिया था। सो हाँ उतना ही दिया है इसे, ऐसा सोचकर वो उसे खुश होकर रहना चाहिए था। सो ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। वो नाई के मन में भी क्या हो गई, लालसा पैदा हो गई। हाँ इच्छा हाव निर्माण हो गई। सो उसने क्या किया, उसने भी दो तीन सन्यासियों को, मतलब देखो एक कोई नहीं बुलाया उसने, दो चार लोगों को बुलाया, क्योंकि उन चारों लोगों के साथ में अगर मैंने भाववाद किया तो वो चारों भी सोने को हो जाएंगे और मैं बहुत धनी हो जाऊंगा। ऐसे सोच कर देखो, पिक्चर में भी है दो है देखो यहाँ पर, है ना। सो देखो एक दो सन्यासियों को बुलाया उसने, तो एक ही साथ उसको एक ही मिला, मुझे दो मिलेंगे, ऐसा सोचकर उसने दोनों को बुलाया। देखो कितनी लालसा है उसके मन में। सो लालच बुरी बला है। तो यहाँ देखो शिक्षा क्या मिलती है, जीवन भर अच्छे और ईमानदार बने रहो। जीवन भर हमेशा अच्छे और ईमानदार बने रहो। सदा ईर्ष्या और लालच से बचे रहो। लालच और ईर्ष्या से बचकर रहना चाहिए, नहीं तो भयानक स्थिति आके देर नहीं लगती। देखो भयानक स्थिति आई गई उसके ऊपर। हाँ राजा के सैनिक आकर उसे कैदी बनाकर लेकर तो जेल में डाल दिया और कितने सालों तक सजा भुगतने के लिए उसे वहीं पे छोड़ दिया, नहीं। तो इसके लिए भयानक स्थिति आके देर नहीं लगती। उस समय की मार बहुत बुरी पड़ेगी। अभी जेल में उसे मारनी तो पड़ेगी, उसके आगे तो कोई कम नहीं करेगा, है कि नहीं। तो उसे जेल में मारनी पड़ेगी। तो तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसा सोच ऐसा पूछ के, है कि नहीं। तो इस सभी कांड का क्या है अर्थ, सीख क्या मिलती है कि लालच बुरी बला है। हाँ जितना है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए, ठीक है। तो यह यहाँ पर ये कहानी अभी हमारी खत्म हो गई, ठीक है। सो इसके थोड़े शब्द अर्थ है वो मैं अभी थोड़ा पढ़ती हूँ, ओके। पहला लाइन परावर्तित मतलब बदला हुआ, चेंज। आश्चर्यचकित मतलब आश्चर्यपूर्ण, सरप्राइज। संतुष्ट मतलब प्रसन्न, हैप्पी। आमंत्रित मतलब न्योता या बुलावा, इनवाइट। रक्षक मतलब रक्षा करने वाले, पहरेदार, गार्ड। बंदी मतलब कैदी। कारावास मतलब जेल। और वार मतलब आघात। सो यह है आपका आज का क्लास वर्क, यह है क्लास वर्क। तो ये क्या करना है आपको, आपके नोटबुक में वन टाइम लिखने हैं, ओके। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आगे के जो प्रश्न उत्तर जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो धन्यवाद।